चीज आप सब लोग अपलाइंस है किसी ना किसी का, आपको आपका टीम को सीक्रेटली वॉच करना पड़ेगा क्या हो रहा है टीम में, कौन क्या कर रहा है, इसको आपको वॉच करना पड़ेगा। बहुत से लोग बोलते सर मुझे पता ही नहीं चला टीम में क्या हो रहा है, कोई धांधली हो रहा है, कोई प्रॉब्लम हो रहा है, ये अपलाइन ने हमेशा सीक्रेटली वॉच करना पड़ेगा। मेरे पास एक ऐसी टीम है माय लेफ्ट सर मैनेजमेंट में जो वॉच रखता है सबके ऊपर, स्पेशली ऐसे काफी लोग हैं जो ऑनलाइन में हमारा प्रोडक्ट को बेचते हैं। बड़े गर्व के साथ मैं बोलता हूं ऐसे मैंने करीब करीब 600 लोगों की आईडी को टर्मिनेट किया है जिन्होंने जो सोशल मीडिया पे बेचते हैं, अमेजॉन और फ्लिपकार्ट में बेचने वाले लोगों की आईडी ढूंढ ढूंढ के उनको टर्मिनेट किया है। तो ये वार्निंग है, अगर कोई ऐसा करता है यहाँ पे उनकी आईडी पकड़ी जाएगी। मेरे पास एक पूरा टीम है 15 लोगों का साइबर एक्सपर्ट्स जो ये ढूंढता है कहां से प्रोडक्ट गया, कौन सा पीयूसी से गया, पीयूसी भी गया वो सब लोग चले जाएंगे। बिकॉज वी सीक्रेटली वॉच द टीम, आपको भी करना पड़ेगा। देखिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं लाइफ में आता है कि आप बहुत जल्दी रिएक्ट करते हो, किसी ने कुछ बोला नहीं आप रिएक्ट करते हो, कुछ भी बोला नहीं आप रिएक्ट करते हो। तो हम सुनते हैं ये वीडियो क्या है, ध्यान से सुनना, थोड़ा साउंड बढ़ाना। दोस्तों आजकल काउंटर अटैक्स बहुत चल रहे हैं, किसी ने आपके बारे में एक सेंटेंस कहा नहीं कि आप 10 सेंटेंस तैयार रखते हैं उसके लिए, एक नेगेटिव कमेंट आपके खिलाफ आया नहीं कि आपके पास 100 जवाब उसके लिए तैयार रहते हैं। एक बार एक इंटरव्यू में नसीरुद्दीन शाह ने कहा था कि अमिताभ बच्चन का सार्थक सिनेमा में कोई खास योगदान नहीं रहा क्योंकि वो विशुद्ध व्यवसायिक अभिनेता है। जाहिर है इसके बाद पत्रकार कहां छोड़ने वाले थे, उन्होंने अमिताभ बच्चन को तुरंत ये बात बताई और उनकी प्रतिक्रिया जाननी चाहिए। अमिताभ बच्चन ने कहा जब नसीरुद्दीन शाह जैसा अंतर्राष्ट्रीय अभिनेता कुछ कहता है तो आत्ममंथन करना चाहिए, प्रतिक्रिया नहीं देना चाहिए। ऐसे ही एक बार गुलजार से किसी ने उनके 5 सबसे पसंदीदा गीतकारों के नाम पूछे, गुलजार साहब ने 5 गीतकार गिनवा दिए। इत्तेफाक से उसमें जावेद अख्तर साहब का नाम नहीं था। फिर क्या था, पत्रकार ने यह बात जावेद अख्तर को बताई और प्रतिक्रिया चाही। जावेद अख्तर साहब ने कहा इस बात पर बस मैं ये कह सकता हूं कि गुलजार साहब की लिस्ट में जगह पाने के लिए मुझे अभी और मेहनत करना होगा। इसे कहते हैं व्यक्तित्व, इसे कहते हैं सकारात्मक सोच। जरूरी नहीं कि कीचड़ फेंकने वाले पर कीचड़ ही फेंका जाए, बोलना और प्रतिक्रिया करना जरूरी है लेकिन संयम और सभ्यता का दामन नहीं छूटना चाहिए। ईश्वर ने फूलों का सृजन किया है, कुछ तो कारण होगा, फूलों का अनुसरण करने वाले ही सुखद मुकाम तक पहुंचते हैं। प्रेम की धारा बहती है जिस दिल में, चर्चा उसकी होती है हर महफिल में। माय डियर फ्रेंड्स, जब भी आपके बारे में कोई नेगेटिव बोलता है अगर आप उसके ऊपर प्रतिक्रिया दिखाएंगे और उसके ऊपर कमेंट करेंगे वो आपका कैरेक्टर नीचे जाएगा। क्योंकि सादा शब्दों में ये पूरा वीडियो का अगर आचरण करें तो सिंपल है, हाथी जब चलता है तो कुत्ते भोंकते हैं, कुत्ते भोंकने से हाथी अपना चाल नहीं बदलता। तो हाथी बनकर चलिए, बोलने वाले बहुत है, करके दिखाना है कि आप इसमें डायमंड बनोगे। डोंट रिएक्ट ऑन द स्पॉट, जिसे आप अपना कैरेक्टर को नीचे करोगे। इसके लिए एक ऐसा सॉलिड माइंडसेट बनाना पड़ेगा आपको, बस यही सबसे बड़ी दुखद बात है। आपको लगता है नेटवर्क इंडस्ट्री में अगर कोई भी किसी भी व्यक्ति को कुछ भी बोल दिया किसी ना किसी रूप से उस व्यक्ति तक पहुंच जाता है। ऐसे मेरे बारे में बहुत सारा नेगेटिव कमेंट बहुत सारे लीडर्स देते हैं, उनको लगता है कि मेरे पास पहुंचता नहीं है, लेकिन नेटवर्क है बॉस, कहीं ना कहीं से वो आ जाता है। लेकिन अगर मैं उसके ऊपर प्रतिक्रिया दिखाते जाऊंगा तो नेटवर्क हमारा टूट जाएगा। हुसैन बोल्ट 9 ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता है दोस्तों, 115 सेकेंड के लिए दौड़ा, 199 मिलियन डॉलर कमाया 2 मिनट के लिए, लेकिन 2 मिनट के लिए ट्रेनिंग किया उसने 20 साल, तो वो 20 साल हुसैन बोल्ट का इन्वेस्टमेंट था। सुरेंद्र दास डायमंड बना है, वो एंड रिजल्ट है, लेकिन उसके पीछे जो मेहनत था वो शायद कुछ लोगों ने देखा है। बिना मेहनत कोई बड़ा आदमी नहीं बनता माय डियर फ्रेंड्स, यू हैव टू रिमेंबर दैट। तो अगर आपकी टीम में हाई विल यानी करने की चाहत वाले हैं और लो स्किल है, काम करने का तरीका नहीं आता, उसको सिखाओ,
और आपको हर बंदे को हाई स्किल हाई बिल का बनाना पड़ेगा। यही डायरेक्ट सेलिंग का एसेंस है। जिसके पास काम करने की क्षमता है लेकिन उसके पास वो इच्छा नहीं है, इच्छा बनाइए। स्किल नहीं है, ट्रेनिंग के द्वारा उसको सिखाइए, तभी आप उसको कामयाब लीडर बना सकते हैं। यू हैव टू बिकम अ ट्रांसफॉर्मर। अपने व्यक्तित्व को काट काट कर मोल्ड कर डायमंड बनना है। लेजेंडरी लीडर बोलते हैं, उसके लिए आपके पास एटीट्यूड होना चाहिए, आप हार्ड वर्कर होना चाहिए, ह्यूमैनिटी होना चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, कमिटमेंट होना चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए, फोरसाइट चाहिए और परफॉर्मर चाहिए। एटीट्यूड का मतलब है झुकेगा नहीं साला, दैट्स द एटीट्यूड। जिंदगी में कोई भी कुछ बोले ना, झुकना नहीं, दैट इज द एटीट्यूड। हार्ड वर्किंग, मेहनत करना है। ह्यूमैनिटी मतलब सामने वाला इंसान है, जानवर नहीं है वो, सोचना। डेडिकेशन करना है, नेक्स्ट 3 ईयर्स डेडिकेट योरसेल्फ टू दिस बिजनेस। क्रिएटिविटी, क्या क्या नया प्रोग्राम्स करना है, क्रिएटिविटी बनाना पड़ेगा। नॉलेज लेना पड़ेगा, यू हैव टू टेक नॉलेज। कमिटमेंट देना पड़ेगा, यस आई विल बी एन एनटीसी बाय दिस डेट, आई विल बी ए सीटीसी बाय दिस डेट, आई विल बी एन आईटीसी बाय दिस डेट। कमिटमेंट देना पड़ेगा, कम्युनिकेशन आपको बनाते रहना पड़ेगा, आने वाला चीज को आज देखना पड़ेगा, फोरसाइट। और सबसे इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंस। लोग परफॉर्मेंस को सलाम करते हैं, माय डियर फ्रेंड्स, पीपल सलूट दोस पीपल हु आर परफॉर्मर्स। नॉन परफॉर्मर्स को कोई नहीं देखता है। लोग आते हैं और लोग जाते हैं। एक भी इसमें से टूट जाए या कम्युनिकेशन नहीं है, यू विल नॉट बिकम ए लेजेंडरी लीडर। यू हैव टू हैव ऑल द एबिलिटीज, तभी आप एक लेजेंडरी लीडर बनकर माय लाइफ स्टाइल में डायमंड बनोगे। हाउ टू बी अ लाइफ, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड। व्हेन यू आर अ टीसी, यू आर इन कंफर्ट जोन। जब आप टीसी रहते हो, कंफर्ट जोन में रहते हो, बड़ा सेफ लगता है। एटीसी बनते ही थोड़ा सा फियर जोन में रहता, क्या होगा मेरा, थोड़ा सा कम सेल्फ कॉन्फिडेंस रहता है, एक्सक्यूज देते हैं, बहाने देते हैं मीटिंग में नहीं आने का, अदर्स ने कुछ ओपिनियन दे दिया, बाहर वाले ने कुछ बोल दिया, वो फटाक से उसको कन्विंस हो जाता है। डीटीसी जेटीसी नए चैलेंजेस नए प्रॉब्लम को सीखता है, वहां पर सीख रहा है, नए स्किल्स को सीखता है, फिर कंफर्ट जोन से वो बाहर निकलता है। ये छोटा बच्चे से लेकर बड़ा बनने का सफर बना रहा हूं। एसटीसी आरटीसी बन गया तो उसको लाइफ में मकसद मिल जाता है, वो अपने सपनों को जीना शुरू करता है, कार लेता है, बाइक लेता है, मोबाइल लेता है, थोड़ा सा ग्रोथ में आ जाता है, फिर नया गोल्स को सेट करता है और कॉन्कर करता है जो भी किया है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एनटीसी सीटीसी आईटीसी बनने के बाद कंफर्ट में आ जाता है। डायरेक्शन देना पड़ेगा, हेल्प करना पड़ेगा, पैसे को एंजॉय करना पड़ेगा, फ्रीडम को करना पड़ेगा, बड़े बड़े प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। ये होता है सेफ जोन। यानी कि जब तक आप एनटीसी सीटीसी आईटीसी नहीं बनते, यू आर नॉट सेफ इन दिस बिजनेस। वहां पे आने के बाद गारंटीड आपके घर में इनकम आएगा। वो डिसाइड करना है, वो इनकम सीलिंग इनकम है कि 10-15 हजार रुपए है, कितना भूख है आपके पास, हाउ मच इज योर हंगर, यू डिसाइड। जितना भूखा इंसान उतना ज्यादा खाता। कल मैंने दोपहर का लंच नहीं किया और जो नानू ने लाया मटन बिरयानी पूरा खा गया, देखा तो लगा कि खा नहीं पाऊंगा, लेकिन जब खाना खत्म हो गया तो मालूम पड़ा कि बहुत भूख लगी थी। नानू को थैंक यू वावड़ा बहुत, क्योंकि मेरे को रात को बहुत भूख लगी थी, सवेरे निकला था और दोपहर का लंच नहीं मिला था। तो यू बिकम सेफ जोन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड। ये पूरा प्रेजेंटेशन का सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड यह है दोस्तों। डिस्ट्रीब्यूटर टू एटीसी सर्वाइवल मोड में रहता है, उसको इसमें टिके रहना है। तब आपका काम है रॉ मटेरियल, यानी कि लोगों को सर्च करना, उनके ऊपर सेल्स पे फोकस करना, बिजनेस की मीटिंग्स को इनिशिएट करना, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके टीम को देना, एक अच्छा प्रेजेंटर बनना और मोटिवेशन देना, शुरुआत करने के लिए मोटिवेशन देना और लोगों के साथ ग्रो करने के लिए अपलाइन का मदद लेना। आप तब पुश स्टार्ट रहते हो या किक स्टार्ट रहते हो, फिर सेल्स से जर्नी शुरू होता है, टीम जर्नी, और लास्ट में बनते हो आप लीडर। यह है सर्वाइवल मोड। डीटीसी टू एसटीसी में आपका स्टेबिलिटी आ जाता है, तब जो टीम सर्च करके हमारे डिस्ट्रीब्यूटर टू एटीसी ने लाया है, उसको टीम का एक स्वरूप देना है, दैट इज द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। फिर एक कम्युनिटी बनाना है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, हमें समझ में नहीं आता है, कम्युनिटी ऑफ कस्टमर्स, रिटेलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स। What do you mean by these three people? Customers,
दे विल रिमेन कस्टमर फॉर लाइफ. हो सकता है कुछ लोग डिस्ट्रीब्यूटर बन जाए. रिटेलर्स वो होते हैं जो सिर्फ प्रोडक्ट को रिटेल करते हैं. मेडिकल के दुकान वाले वो हर महीना आपसे लेंगे, या कोई दुकानदार है जो प्रोडक्ट को बेचता है. तो रिटेलर को और जो कस्टमर है डिफ्रेंशिएशन समझो. ये दोनों कैटेगरी के लोगों को आपने डिस्ट्रीब्यूटर बनाना है. तो कन्वर्ट दिस टू कैटेगरीज इन द फ्यूचर टू अ डिस्ट्रीब्यूटर, बिकॉज रिटेलर्स और कस्टमर्स केवल आपको वो 12% तो देगा, साथ में रिटेल प्रॉफिट देगा, बट इफ यू कन्वर्ट देम इनटू डिस्ट्रीब्यूटर दे विल गिव यू योर टीम. हेलो. तो सिर्फ रिटेलर्स पे फोकस मत करिए, स्प्रेड द बिजनेस. मोटिवेशन बनना पड़ेगा, ट्रेनर बनना पड़ेगा, मोटिवेशन बनना पड़ेगा, ग्रो खुद को सेल्फ स्टार्ट हो जाते हो, टीम का प्रोग्रेशन बढ़ता है, आप रोल मॉडल बनते हो. व्हाट यू मीन बाय रोल मॉडल? सिंपल है दोस्तों, आपको लोग देख रहे हैं, पीपल आर वॉचिंग यू. अगर आप वहां पे एक लूज कैरेक्टर के इंसान हो, यू विल नेवर बिकम अ रोल मॉडल. मेरे बेटे को अगर आपने पूछा कि बेटा तुझे कौन बनना है, तो मेरा बेटा बोलता, पापा मुझे आप जैसा बनना है. आई बिकम द रोल मॉडल टू माई सन. मेरी डॉटर बोलती है, पापा मुझे आपका जैसा बनना है. कोई मेरा बेटा या मेरी बेटी अमिताभ बच्चन बनना है, ऐश्वर्या राय बनना नहीं बोलते, बिकॉज आई प्ले अ रोल मॉडल इन माई हाउस. एट द एज ऑफ 60, इफ आई, मेरे बहुत सारे ट्रेनिंग में मेरे बच्चे आए, उनको पता है कि मेरा पापा कौन है. अगर आपका बच्चा अमिताभ बच्चन बनना है, सचिन तेंदुलकर बनना है बोलता है, इसका मतलब आप अपने बच्चों के लिए यू आर नॉट अ रोल मॉडल. बच्चों का नहीं रोल मॉडल बन सकते, तो टीम का रोल मॉडल कब बनोगे? डोंट बी लूज कैरेक्टर. लूज कैरेक्टर का कोई रोल मॉडल नहीं होता है, कोई उनकी पूजा नहीं करते, ये याद रखना. सक्सेस आरटीसी एनटीसी बनने के बाद, द टीम गेट बिल्डिंग अप, मार्केटिंग करते हो, वहां पे आपका फैन एसोसिएशन बनता है, आप सेलिब्रिटी बन जाते हो. इंस्पिरेशन देना, ट्रेन द ट्रेनर, मोटिवेटिंग देम, ग्रोअल, और यहां से जो आपका बनता है ना, यहां से आप पुश स्टार्ट या किक स्टार्ट बनते हो, यहां पे बन जाते हो सेल्फ स्टार्ट, यहां पे टो व्हीकल बन जाते हो, जो लोगों को खींच खींच के प्रोग्राम में लेके आएंगे. इस तरह गाड़ी खींच के अगर दूसरा टो व्हीकल लेके जाता है, आपको बनना पड़ेगा. सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. सर्वाइवल से स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी से सक्सेस. एंड इफ यू बिकम एन एमटीसी एंड यू आर नॉट अ सक्सेस, उसका मतलब है कहीं ना कहीं आपको आत्मचिंतन करने की जरूरत है. यू हैव टू चेंज योर वेज, आपका तरीका आपको बदलना पड़ेगा. अगर आपके लोग आपके पीठ पीछे आपके बारे में गलत बोलते हैं और मुंह पर सही बोलते हैं, कहीं ना कहीं आप रोल मॉडल नहीं बने हो. मेरे पीछे मेरे आगे एक ही बोलना चाहिए, क्योंकि मैं वही हूं. टीम वर्क शुड बी द बेस्ट. व्हाट इज टीम वर्क, ये वीडियो दिखाता है. रेसी बोल. यस सर. हेलो, तो नहीं 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 उतनी बेइज्जती काफी नहीं थी क्या? अभी क्या भी निकल जाओ. क्यों ना हम खेले एक बैट मैच. ओके, सिंगल सिंगल नहीं, 1 vs 11. तुम 11 लड़कियां और मैं अकेला. मैं सिर्फ 3 गोल मारूंगा, और अगर तुमने एक भी कर दिया तो इतना ही काफी होगा. अगर तुम जीत गई तो मैं ग्राउंड ही नहीं बल्कि घर छोड़कर चला जाऊंगा, लेकिन अगर मैं जीता तो